999 की मासिक किस्त पर ले जाएं टीवी, फ्रिज और एसी, वो भी बिना किसी ब्याज के। संपर्क करें जिम्मी सेल्स, पुरानी किला मोड़, सिवान। सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जब सिवान पुलिस ने शराब माफिया और सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के करीबी सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहान गोपाल के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मैरवा थाना पुलिस ने 23 सितंबर को शराब लदे एक ट्रक को पकड़ा था, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार व्यक्तियों ने बयान दिया था कि वे ये शराब की डिलीवरी सिवान लाने वाले थे और रामायण चौधरी को ये डिलीवरी करनी थी, जिसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद ने एक FIR दर्ज किया था, जिसमें रामायण चौधरी का नाम सामने आया था, जिसके बाद मैरवा थाना पुलिस रामायण चौधरी को गिरफ्तार करने आज अहले सुबह सिवान पहुंची और सिवान मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से रामायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार रामायण चौधरी को मैरवा प्राथमिक अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लाया गया, जहां उनका जांच करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के करीबी है रामायण चौधरी। 2020 विधानसभा चुनाव में राजद से ये विधानसभा प्रत्याशी के तौर पे गोरियाकोटी से अपनी दावेदारी पेश की थी। हालांकि तेजस्वी यादव के मनाने के बाद इन्होंने अपनी दावेदारी छोड़ दी और राजद के जो उम्मीदवार थे उनके पक्ष में अपना समर्थन दे दिया। रामायण चौधरी, तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव करीबी है, जिन्हें मैरवा थाना पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया है। सिवान पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। जब सिवान पुलिस ने शराब माफिया और सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि राजद नेता तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के करीबी सिवान सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक के अध्यक्ष रामायण चौधरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बरहान गोपाल के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि मैरवा थाना पुलिस ने 23 सितंबर को शराब लदे एक ट्रक को पकड़ा था, जिसमें 4 व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई थी। गिरफ्तार व्यक्तियों ने बयान दिया था कि वे ये शराब की डिलीवरी सिवान लाने वाले थे और रामायण चौधरी को ये डिलीवरी करनी थी, जिसके बाद पुलिस अवर निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद ने एक FIR दर्ज किया था, जिसमें रामायण चौधरी का नाम सामने आया था, जिसके बाद मैरवा थाना पुलिस रामायण चौधरी को गिरफ्तार करने आज अहले सुबह सिवान पहुंची और सिवान मुफस्सिल थाना पुलिस के सहयोग से रामायण चौधरी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार रामायण चौधरी को मैरवा प्राथमिक अस्पताल में कोरोना जांच के लिए लाया गया, जहां उनका जांच करने के बाद उन्हें जेल भेज दिया जाएगा। चिकित्सा के क्षेत्र में करियर बनाना हुआ आसान, बने इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सक अधिकृत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निम्स इलेक्ट्रो होम्योपैथी कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल साथ ही कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी के इलाज कराने के लिए अब आपको बड़े शहरों में जाकर भटकना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपके अपने शहर सिवान में कैंसर का सफल इलाज होता है। जी हाँ, डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज के यहाँ हर्बल से निर्मित इलेक्ट्रो होम्योपैथी द्वारा कैंसर जैसी बड़ी और खतरनाक बीमारियों का सफल इलाज किया जाता है। सभी प्रकार के कैंसर की बीमारियों में सफलतापूर्वक इलाज के लिए आज ही संपर्क करें डॉक्टर मोहम्मद इंतखाब परवेज, सिसवन ढाला, लक्ष्मीपुर, सिवान। संपर्क नंबर है 9472250677।